linear differential equations with constant coefficients, वीडियो नंबर 9, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स का ये तीसरा वीडियो है और शॉर्टकट मेथड्स का ये पहला वीडियो है। देखो, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स की बातचीत शुरू हो चुकी है। पीछे दो वीडियोस में पर्टिकुलर इंटीग्रल्स की बातचीत हो चुकी है और उन दोनों वीडियोस में हम लोगों ने जनरल मेथड फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल्स पढ़ा था। अब हम शॉर्टकट मेथड्स देखेंगे, कई वीडियोस तक लगातार अब यही जारी रहेगा। नंबरिंग हम P1, P2, P3 इस तरीके से करेंगे, P फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। P1, 1 अपॉन d माइनस a होल टू द पावर n ऑपरेटेड ऑन e टू द पावर ax इज इक्वल टू x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n e टू द पावर ax। सबसे पहले हम इस फार्मूले को डिराइव करेंगे। वी नो दैट जनरल मेथड जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, 1 अपॉन d माइनस अल्फा ऑपरेटेड ऑन q इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा x इंटीग्रल q इंटू e टू द पावर माइनस अल्फा x dx। देयरफॉर 1 अपॉन d माइनस a e टू द पावर a x इज इक्वल टू e टू द पावर a x इंटीग्रल e टू द पावर a x इंटू e टू द पावर माइनस a x dx। ध्यान रखिएगा q के स्थान पे यहाँ e टू द पावर a x है, ये q और ये और ये इक्वल्स टू e टू द पावर a x इंटीग्रल d x इक्वल्स टू x e टू द पावर a x। ये पहला स्टेप हुआ। अब इस पर पावर बढ़ाइए, सिमिलरली 1 अपॉन d माइनस a होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन e टू द पावर a x इज इक्वल टू 1 अपॉन d माइनस a e टू द पावर a x इक्वल्स टू 1 अपॉन d माइनस a। और इसका मान अभी अभी हम लोग निकाला, x e टू द पावर a x। फिर इसी फार्मूले को अप्लाई करिए। अब की बार q की जगह पर x e टू द पावर a x है, इट विल बी e टू द पावर a x इंटीग्रल, q की जगह पर है x e टू द पावर a x और इसके कारण अंदर जो फार्मूले में है e टू द पावर माइनस a x डी एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर a x इंटीग्रल x डी एक्स इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 e टू द पावर a x। 2 को फैक्टोरियल 2 तो हम लिख ही सकते हैं। दो स्टेप हो गया। नेक्स्ट, 1 अपॉन d माइनस a होल क्यूब e टू द पावर a x इज इक्वल टू 1 अपॉन d माइनस a ब्रैकेट में 1 अपॉन d माइनस a होल स्क्वायर e टू द पावर a x इज इक्वल टू 1 अपॉन d माइनस a। और इसकी वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाला, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ई टू द पावर ए एक्स। अब की बार क्यू की जगह पर ये है, ये तो यही फार्मूला, जनरल फार्मूला फिर लगाएं, इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ई टू द पावर ए एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 का इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इंटू फैक्टोरियल 2। 3 इंटू फैक्टोरियल 2 माने एक्स क्यूब अपॉन 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 माने एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 ई टू द पावर ए एक्स और एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। इसके बाद एक कंटिन्यूएशन शो करने के लिए डॉट 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 ऐसे लाइन खींच दीजिए और पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। कभी भी जनरलाइजेशन के लिए 3 स्टेप से पहले निर्णय मत लीजिएगा। तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो एनवा क्या होगा, यही तो होगा ना। देखो तीसरे में
तो एन में एक्स टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन और ई टू द पावर ए एक्स। अगर फार्मूला डिराइव करना है तो यही तरीका है जैसे आप nth डेरिवेटिव निकाला करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, वैसे ही। और अगर पहले से फार्मूला मालूम है तो उसको प्रूव कर सकते हैं आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी। ऑब्जर्विंग द पैटर्न, ऑब्जर्विंग द पैटर्न वी कंक्लूड दैट वन अपॉन डी माइनस ए होल टू दी पावर एन ऑपरेटेड ऑन ई टू दी पावर ए एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन ई टू दी पावर ए एक्स। नेक्स्ट पी टू पर्टिकुलर इंटीग्रल टाइप टू, वन अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटेड ऑन ई टू दी पावर ए एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ ए इन टू ई टू दी पावर ए एक्स। यही फार्मूला है, इसको हम प्रूव करेंगे भी। डी को रिप्लेस कर दिया ए से। अब ये एंटिटी एग्जिस्ट तभी करेगी जब डिनोमिनेटर जीरो ना हो, तो इस पर कंडीशन लग गया एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। When f of a equals to 0, 1 upon f of d operated on e to the power ax will be x into 1 upon f dash of d operated on e to the power ax, और ये बराबर होगा इस नियम से x 1 upon f dash a e to the power ax। फिर इस पर शर्त लग जाएगी f dash a 0 नहीं होना चाहिए। When f dash a equals to 0, 1 upon f of d e to the power ax equals to x square 1 upon f double dash of d e to the power ax, और फिर इस नियम से ये हो जाएगा x square 1 upon f double dash of a into e to the power ax। फिर इस पे शर्त लग जाएगा f double dash of a not equal to 0, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता ही रहेगा। ये अब इन फार्मूलों को आइए हम प्रूव करें। ठीक, प्रूफ। d ऑफ e टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू ए ई टू द पावर ए एक्स, डी स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स। ये डेरिवेटिव जानते हैं ना, ऐसे ही चलते चलेगा। डी क्यूब ई टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब ई टू द पावर ए एक्स। पैटर्न को देखते हुए, या वैसे भी आप जानते हो nth डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर ए एक्स बराबर होता है ए टू द पावर एन ई टू द पावर ए एक्स। इस पैटर्न को ऑब्जर्व करिए, इधर इधर में क्या फर्क है। जहां इधर डी है वहां इधर ए है। ऑब्जर्विंग द पैटर्न, ऑब्जर्विंग द पैटर्न वी कंक्लूड दैट, वी कंक्लूड दैट एफ ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स है ना, इन्हें हम अगर एफ ऑफ डी समझ लें तो इन्हें क्या समझ लें, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ ए ई टू द पावर ए एक्स। इंप्लाइज दैट इस कांस्टेंट एंटिटी को इधर ले आओ,
1 upon f of a, f of d, e to the power ax is equal to e to the power ax. इससे अंदर करो, साइड को भी हम बदल देना चाह रहे हैं. दैट इज e टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ डी वन अपॉन एफ ऑफ ए ई टू द पावर ए एक्स. ये कॉन्स्टेंट है ना, इस ऑपरेटर के बाएं रहे चाहे दाहिने रहे. अब वन अपॉन एफ ऑफ डी से ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटिंग बाय वन अपॉन एफ ऑफ डी on both the sides. We have 1 upon f of d operated on e to the power ax is equal to 1 upon f of d, f of d 1 upon f of a e to the power ax. Clear? एफ ऑफ डी एक ऑपरेटर है, वन अपॉन एफ ऑफ डी उसी का इनवर्स ऑपरेटर है, रेसिप्रोकल ऑपरेटर. एफ ऑफ डी पर वन अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेट करोगे तो वन आएगा. सो फाइनली वी गेट वन अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटेड ऑन ई टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स. जाहिर सी बात है एफ ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए. यह था प्रूफ, मेन फार्मूले का. When f of a equals to 0, मतलब इसका क्या हुआ, f of d 0 है d equal to a रखने पर. Here f of d equal to 0 for d equal to a. It means that d minus a is a factor of f of d. And so we can write f of d is equal to, इसमें से d माइनस ए फैक्टर खींच लिया और उसके बाद d से ही बने हुए कुछ हिस्से बचेंगे, उसको हम फाई ऑफ d से डिनोट कर दे रहे हैं. ये वेयर phi of a not equal to 0. वो फैक्टर d माइनस से हमने खींच लिया, उसके बाद जो बचेगा वो 0 नहीं होगा. 0 हो रहा था d इक्वल टू a रखने के कारण, समझ रहे हो ना. नाउ f डैश ऑफ d इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट फंक्शन d माइनस ए डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फाई डेज ऑफ d प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d के रिस्पेक्ट में 1, तो ये फाई ऑफ d बचा. इम्प्लाइज दैट f डैश ऑफ a इक्वल्स टू, d की जगह a रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, यही बचेगा फाई ऑफ a. ठीक, और फाई ऑफ a 0 नहीं है, फाई ऑफ a 0 नहीं है, ध्यान रखना है. तो f डैश ऑफ a भी 0 नहीं हुआ. f ऑफ a 0 वाला केस चल रहा है, f डैश a 0 नहीं है. पर्टिकुलर इंटीग्रल, देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d ऑपरेटेड ऑन e टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d को हमने लिख दिया d माइनस a मल्टीप्लाइड बाई फाई ऑफ d
or e to the power ax, comma, phi of a not equal to 0. Equals to 1 upon d minus a, bracket, 1 upon phi of d operated on e to the power ax. और जो रूल पहले बताए थे ये वाला कि d को हम रिप्लेस कर देते हैं a से, तो d की जगह a रखेंगे तो phi of a आएगा जो कि जीरो भी नहीं है, इसलिए ये हो गया 1 upon d minus a और 1 upon phi of a. और e to the power ax. अब p1 लगाइए, p1 1 upon d minus alpha, 1 upon d minus alpha q, ये q है मान लो, तो हम p1 लगाने जा रहे हैं इसमें. Implies that pi is equal to e to the power ax integral 1 upon phi of a e to the power ax पहले से था और e to the power minus ax dx मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ by p1 ताकि आपको समझ में आए कैसे क्या खेल हो रहा है. Equal to e to the power ax integral 1 upon phi of a dx is equal to x into 1 upon phi of a e to the power ax. और phi of a को हम क्या रख दें, f dash of a, इसकी नंबरिंग डाल दें यार, इसका क्वेश्चन नंबर डाल दो. इक्वल्स टू x इंटू वन अपॉन एफ डेस ऑफ ए टू द पावर ए एक्स बाई वन, यही प्रूव करना था. एफ डेस ए जीरो नहीं है, ध्यान रखना एफ डेस ए जीरो नहीं है. अगर एफ डेस ए भी जीरो हो गया, अगर एफ डेस ए जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एफ डेस ए जीरो हो गया तो इसका मतलब एफ डेस डी जीरो है, एफ डेस डी जीरो है फॉर डी इक्वल टू ए के लिए, यानी एफ डेस डी में से फिर एक फैक्टर निकलेगा. एफ डेस डी को हम लिख सकते हैं डी माइनस ए इंटू साई ऑफ डी, एफ डेस डी लिखाएगा, समझिएगा. f ऑफ d में से फिर डबल फैक्टर निकलेगा, d माइनस ए डी माइनस ए. व्हेन f डेस ऑफ a इक्वल्स टू जीरो, आइए इसे भी देख लो. हियर f डेस d इक्वल टू जीरो for d minus a, it means that d minus a is a factor of f dash d, and so d minus a whole square is a factor of f of d. Let us write f of d is equal to d minus a whole square into psi of d. देखो f of d है मान लो, इसमें से हमने एक फैक्टर निकाल लिया d minus a whole square
और उसके बाद साई एफ डी लिख दिया। इसका डेरिवेटिव करें, एफ डी एस डी बराबर क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन डी माइनस ए होल स्क्वायर इंटू साई डेस ऑफ डी प्लस टू इंटू डी माइनस ए इंटू साई ऑफ डी। तो कौन सा फैक्टर बताओ कॉमन निकल रहा है, डी माइनस ए निकल रहा है ना, तो बचेगा डी माइनस ए इंटू साई डेस ऑफ डी प्लस टू इंटू साई डेस ऑफ डी। मीन्स वट मीन्स दैट डी माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ एफ डी एस डी, डी माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ एफ डी एस डी। तो कहाँ गलत लिखा हुआ है, अगर डी माइनस ए एफ डी एस डी का फैक्टर है तो पक्का जानिए डी माइनस ए होल स्क्वायर एफ ऑफ डी का फैक्टर होगा, वही हमने लिख दिया है। अब जैसे इसके पहले वाले केस में प्रोसीड किए थे वैसे इसमें आप प्रोसीड करिए। इम्प्लाइज दैट एफ डी एस डी इज इक्वल टू डी माइनस ए होल स्क्वायर साई डेस ऑफ डी प्लस टू इंटू डी माइनस ए इंटू साई ऑफ डी। फिर डिफरेंशिएट करेंगे इसको एक बार और, इंप्लाइज दैट एफ डबल डेस ऑफ डी इज इक्वल टू डी माइनस ए होल स्क्वायर साई डबल डेस ऑफ डी प्लस टू इंटू डी माइनस ए साई डेस ऑफ डी। ये दो टर्म आए इसके, आप चाहो तो ब्रैकेट लगा लो, कन्फ्यूजन खत्म। अब ऐसे ही उधर प्लस टू इंटू डी माइनस ए इंटू साई डेस ऑफ डी प्लस वन इंटू साई ऑफ डी और मिक्स कर लें, डी माइनस ए होल स्क्वायर साई डबल डेस ऑफ डी, ये और ये एक ही चीज़ है ना, देखो तो इसको हम लिख दें प्लस फोर डी माइनस ए साई डेस ऑफ डी प्लस टू साई ऑफ डी। इम्प्लाइज दैट एफ डबल डेस ऑफ ए इज इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये बचेगा टू साई ऑफ ए, टू साई ऑफ ए। यहाँ जो आपने लिखा है यहाँ कंडीशन यहीं से लगा लीजिए कि ये जो हिस्सा बचा है अब इसमें डी बराबर ए रखने से जीरो नहीं होगा, यानी साई ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो टू इंटू साई ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, इस पर नंबरिंग कर लें, इस पर मैं इसे सेकंड कर ले रहा है, ये रहा। नाउ पी आई इज इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटेड ऑन ई टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ डी है डी माइनस ए होल स्क्वायर साई ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन डी माइनस ए होल स्क्वायर ब्रैकेट वन अपॉन साई ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन डी माइनस ए होल स्क्वायर वन अपॉन साई ऑफ ए ई टू द पावर ए एक्स। अब वही पी वन लगाइए, फार्मूला नंबर वन पी वन वन अपॉन डी माइनस अल्फा वाला है, दो स्टेप में इसको करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी चालाकी अगर हम लोग करें तो चूंकि वन अपॉन साई ऑफ ए में डी नहीं है ना, तो ये इस ऑपरेटर के लिए कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, इक्वल टू वन अपॉन साई ऑफ ए वन अपॉन डी माइनस ए होल स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स। अब पी वन लगाइए वन अपॉन डी माइनस ए होल टू द पावर एन ई टू द पावर ए एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन ई टू द पावर ए एक्स। तो ये बराबर हो गया वन अपॉन साई ऑफ ए एक्स टू द पावर टू अपॉन फैक्टोरियल टू ई टू द पावर ए एक्स। इम्प्लाइज दैट पी आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू साई ऑफ ए ई टू द पावर ए एक्स।
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू साई ऑफ ए, ये लिखा है टू साई ऑफ ए एफ डबल डैश ए, एफ डबल डैश ए ई टू द पावर ए एक्स। अब जाहिर सी बात है इसमें एफ डबल डैश ए जीरो नहीं होगा, अगर जीरो होगा तो फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे, अब डी माइनस ए होल क्यूब निकालेंगे उसमें से। इस वीडियो में हम अब न्यूमेरिकल नहीं बता रहे हैं, वीडियो साइज काफ़ी बढ़ जाएगा। इम्पॉर्टेंट फार्मूली प्रूव किए गए, ये फार्मूले आपको याद रखने होंगे, प्रूफ पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। देखो बेटा, पहली बार कोई चीज़ पढ़ो तो उसकी थियोरी ज़रूर पढ़ो, उसका मैकेनिज्म ज़रूर पढ़ो, प्रूफ ज़रूर पढ़ो, एक बार दो बार उसको पढ़ना चाहिए, तभी सब्जेक्ट नॉलेज होता है, अन्यथा तो ये मिस्त्री बन के रह जाओगे। ऐसा है तो ये करो, ऐसा है तो ये करो, ये तार फ्यूज है तो यहाँ तार जोड़ दो, ये स्विच निकालो, ऐसे कर दो, इंजीनियरिंग नहीं सीख पाओगे। तो इंजीनियरिंग भी सीखना ज़रूरी है, मैकेनिज्म सीखना ज़रूरी है, सब्जेक्ट सीखना ज़रूरी है, तभी एग्जाम्पल्स डील करने में मज़ा आता है, तभी प्रॉब्लम्स से जूझने में मज़ा आता है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया तो ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम इसी पर बेस्ड एग्जाम्पल्स प्रस्तुत करेंगे।